आरजीआईटी के मेरे फर्स्ट दिन के मेरे फर्स्ट लेक्चर में हमारे प्रोफेसर ने हमसे एक बात कही थी, जब तुम लाइफ में कुछ बन जाओ तो उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारे साथ थे जब तुम कुछ नहीं थे। वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आरजीआईटी, वो पहला दिन। तन्मय, हमेशा जल्दी में रहने वाला इंजीनियर, जितनी जल्दी इसे क्लास में पहुंचकर फर्स्ट बेंच पकड़ने की थी उतनी जल्दी इसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में थी। अबे डबल बैटरी, दिखता नहीं क्या लड़की उड़ी? चुपचाप साइड में हटने का, वरना तेरी इस बैटरी के आगे ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूंगी ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अलीशा, इसे तो आप जान ही चुके होंगे, डंबल्स के रॉड जितने इसके मसल्स, पर डर बॉस किसी का नहीं। भुक्कड़ उर्फ राकेश, उप्स, राकेश उर्फ भुक्कड़, लेक्चर्स हो या प्रैक्टिकल्स, वर्कशॉप हो या सेमिनार, इसके लाइफ का एक ही सहारा है, बिस्किट्स। ये आवाज, इसे मैं क्या, कोई भी नहीं भूल सकता। जितनी स्वीट इसकी आवाज है उससे कहीं ज्यादा स्वीट एंड सिंपल वो खुद है, श्रुति। मैं साहिर बहल, वैसे मैं नहीं, नहीं नहीं, आप खुद ही जान लीजिए। तो नर्वस? गुड न्यूज वन, आज मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। गुड न्यूज टू, इस लेक्चर के एंड होने तक आपकी नर्वसनेस गायब हो जाएगी। आज आप यहाँ पे बैठे हो अलग अलग बेंचेस पे, हर एक को कुछ ना कुछ बनना है, जरूर बनिए। लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखना, उन लोगों को कभी मत भूलिए जो लोग आपके साथ थे जब आप कुछ भी नहीं थे। पर आप इस कॉलेज को कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरी। ओहो प्रिंसिपल, हिंदी फिल्में देख देख कर मेरी भी प्रिंसिपल्स के बारे में एक टिपिकल नजर बन गई थी, बट यार यहाँ सब उल्टा ही हो रहा था। इतने डिसिप्लिन्ड एंड डाउन टू अर्थ प्रिंसिपल शायद ही कहीं मिलेंगे। आते ही उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पर लिख दिया। व्हाट बेटर कैन इट गेट। I will reply to your mail within 24 hours. पहली वीक बहुत ही खास थी, फ्रेंड्स बने, ग्रुप्स बने, सब्जेक्ट्स शुरू हुए, सब चीजों को एक स्टार्ट मिल गया। तन्मय, अलीशा, श्रुति, भुक्कड़ एंड मी, हमारा ग्रुप रोल नंबर से बन गया। और फिर आया फ्रेशर्स डे, हमारा दिन। रैगिंग के बारे में क्या क्या नहीं सुना था, क्या क्या नहीं पढ़ा था। इनफैक्ट कॉलेज आने के एक वीक पहले से मैं पूरा प्रिपेयर होके आया था, पर यार सीन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही था। रैगिंग तो दूर की बात है, हमारा वेलकम हुआ एक पार्टी से, फ्रेशर्स पार्टी। विद द अवार्ड ऑफ मिस्टर एंड मिस फ्रेशर, फ्रेशर्स डे एंडेड। और वाज इट अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू? जैसे जैसे टाइम जाने लगा, पढ़ाई ट्रैक पे आने लगी, असाइनमेंट्स मिलने लगे। आरजीआईटी के स्टूडेंट्स की एक स्पेशलिटी है, और कहीं कोऑपरेशन दिखे या ना दिखे, असाइनमेंट्स के मामले में फुल ऑन कोऑपरेशन। अबे तन्मय, मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए, साले तेरे 2 असाइनमेंट हो गए। एसी में तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, वो तो लर्न हो गए। और एससी ओसी टेस्ट तो सबसे सिंपल है, उसके तो सिर्फ 2 सम्स बाकी है, और केवीएल केसीएल तो खाने का काम है। हला, क्या तोड़ू है तू तो? अबे भुक्कड़, बिस्किट रखना नीचे, तेरा एक भी नहीं हुआ है। बाय द वे पीपल, साहिर का है। एंड श्रुति, तू ये क्या कर रही है? असाइनमेंट्स। तेरा तो ये हो गया था ना, फिर किसके लिख रही है? साहिर के। यार इसको इग्नोर करो। हाँ तो आगे, जैसे जैसे सेमेस्टर का टाइम नजदीक आने लगा, इंजीनियर्स की टिपिकल प्रेयर शुरू हो गई। मैंने सोचा गणपति बाप्पा किस किस की सुनेंगे, पर यहाँ तो बाप्पा खुद कॉलेज में आ गए। वक्रतुंड टाइम। वक्रतुंड के बाद आया टाइम आरजीआईटी के टेक फेस्ट का। यहाँ बाप्पा का विसर्जन हुआ,
और वहां हमारे एंजॉयमेंट का। आया एग्जाम टाइम। आरजीआईटी के स्टेयर्स, गैलरीज, लॉन, बालकनी, लाइब्रेरी और यहां तक कि कैंटीन, हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स और बुक्स। क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ना भूकंप से डरते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सिर्फ डरते हैं केटी से। अरे ओ सांबा, कितने महीने थे रे? सरदार 6। और टाइम? सरदार 3 घंटे। महीने 6 और घंटे सिर्फ 3, बहुत नाइंसाफी है रे। अरे ए सरदार, ये आरजीआईटी के स्टूडेंट्स हैं, टॉप मारने के लिए 3 घंटे भी इनके लिए काफी है। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गई और आया सेमिस्टर 2। इवन सेम, फन का सेम, एक्सप्लोर करने का सेम, जोडिया का सेम। इवेंट्स प्रिपरेशन शुरू हो गई। हमारा पूरा ग्रुप किसी ना किसी कमिटी में ज्वाइन होने लगा। कोई लॉजिस्टिक्स, कोई कल्चरल, कोई डांस, तो कोई फैशन शो, तो कोई ड्रामा। ओ फ्रिक, रिजल्ट्स। बस यही एक टाइम होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला टाइम अच्छा होगा या बुरा। ऑफिस टाइम पर भाग रही विरार लोकल भी इसके सामने पानी कम चाय है। तन्मय क्लास टॉपर 76%, अलीशा 62%, श्रुति एंड मी 65%, सिंपली कोइंसिडेंस। एंड भुक्कड़ 54% प्लस 2 KTs। कहीं खुशी की हंसी थी तो कहीं गम के आंसू, और एक कोने में भुक्कड़ और उसके बिस्किट्स। अबे चिल चिल यार, रो तो नहीं लगा है, नेक्स्ट टाइम मेरे काल देना। डोंट वरी आई विल टीच यू। बस अब ये तुम्हारा भुक्कड़ भुक्कड़ नहीं रहेगा। मतलब आज से मैं पूरा पूरा एक बिस्किट कम खाऊंगा। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, रिजल्ट्स चाहे कुछ भी हो, यहाँ दोस्ती को कभी केटी नहीं लगती। इनफैक्ट खराब रिजल्ट्स के वक्त दोस्ती हमेशा टॉप मारती है। जोडियाक टाइम, ग्रैंड इवेंट, ग्रैंड सक्सेस। जोडियाक खत्म होने के साथ फिर से हमारा फन टाइम खत्म हुआ और शुरू हुआ एग्जाम टाइम। एग्जाम्स के बाद का ब्रेक, आई हेट इट मैन। यू नो, फर्स्ट सेम में आरजीआईटी मेरे लाइफ का एक पार्ट था और अब मेरी लाइफ आरजीआईटी का एक पार्ट बन गई है। सेकेंड ईयर में हुआ बंटवारा फ्लोर्स का। तन्मय सेकेंड फ्लोर मैक, अलीशा फोर्थ फ्लोर EXTC, भुक्कड़ फिफ्थ फ्लोर इंस्ट्रू, विष्णु एंड वैभव हमारे कॉलेज के विक्रम और बाला थर्ड फ्लोर कॉम्स, मी एंड श्रुति सिक्स्थ फ्लोर IT। कोइंसिडेंस आई टेल यू, हैंगआउट्स। बंटवारा सिर्फ फ्लोर्स का हुआ था, हमारा रास्ता अभी भी एक था और हमारा फेवरेट रास्ता वर्सोवा बीच की तरफ जाता था। तेरा
अनजान चेहरों में, कुछ अपने चेहरे में भी। किसको पता कल क्या मिलेगा, पर जब हो ऐसे यारों का साथ तो सलाह और चाहिए भी क्या। दोस्ती बढ़ने लगी और हमारी मुलाकातें कम होने लगी। मिलना होता अभी तो सिर्फ ब्रेक में। नए फ्रेंड्स ऐड होते गए और हमारी एक्साइटमेंट मल्टीप्लाई होती गई। सेकेंड और थर्ड ईयर तो जैसे हमारे लाइफ के बेस्ट ईयर्स थे। सब कुछ मस्त चल रहा था। चेंजेस हुए भी तो कुछ ऐसे। अलीशा थोड़ी थोड़ी लड़की बनने लगी। भुक्कड़ के बिस्किट्स का ब्रांड चेंज होने लगा। तन्मय क्लास टॉपर से यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया। श्रुति और मैं इवेंट हेड बन गए। फिर आया रोलर कोस्टर का आखिरी पैच, फोर्थ ईयर। बीई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी बीई प्रोजेक्ट, सब उसी में लग गए। पर जैसे जैसे वक्त जा रहा था, हमारे कॉलेज से एग्जिट लेने का वक्त नजदीक आ रहा था। कोई दिखा नहीं रहा था, बट सबको ये बात कहीं ना कहीं खल रही थी। यारे फेयरवेल का मेनू क्या है? अबे बुक्कर, पहले ये तो पूछ ले यार अपना फेयरवेल कब है। या व्हेन इज इट? 50 डे पे। यानी ये हमारा प्लीज हो जाएगा। अरे श्रुति चल यार, इतना सेंटीमेंट दो, इस बार अपन फुल एंजॉय करके जाएंगे। फेयरवेल, हमारा सबसे सेंटी दिन। स्टूडेंट्स आते हैं आरजेटी में अपना फ्यूचर बनाने, बहुत कुछ लेकर जाते हैं, नॉलेज, डिग्री, जॉब एटसेट्रा एटसेट्रा। पर पता है उससे कहीं ज्यादा यहां पे कुछ छोड़कर जाते हैं, मेमोरीज। हर गुजरते बैच की अपनी अपनी मेमोरीज होती है। बैचेस आते हैं और जाते हैं, पर उनकी कमी कोई दूसरी बैच पूरी नहीं कर सकता। फेयरवेल, ये फेयरवेल एंड हुआ कुछ ऐसे। दिस वन is for all those memories that I have shared. Sorry, we have shared throughout this beautiful years.
मिलकर वो नीला गेट I realize साला I'm late लिफ्ट के पहले पहले स्लाइडिंग डोर्स में देखना बाल शाल ठीक करके खुद ही को कॉम्प्लीमेंट देना लिफ्ट की भीड़ में घुस के जैसे तैसे अपने क्लासरूम्स तक पहुंचना और क्लासरूम्स के बाहर जाकर हमेशा यही सोचना साला अटेंड करूं या नहीं कैंटीन में हर रोज शेजवान नूडल्स का फ्लेवर चखना और साला कुछ भी ऑर्डर करने पे एक ही जवाब मिलना लास्ट काउंटर प्लीज ओके वो डबरी का कट्टा वो कांदे के साथ मिसल पा वो आईवी का हल्ला वो टीचर्स की डांट वो लेक्चर्स की मस्तियां और लिफ्ट रूल की वाट वो वाइवा के फॉर्मल्स और एग्जाम्स की रात वो प्लेसमेंट्स की टेंशन और क्राइटेरिया के हालात और यारों का साथ साला सब याद आता है सब याद आता है बस याद आता है फाइनल एग्जाम्स फाइनली ओवर रिजल्ट्स एज यूजुअल सुपर्ब रहे हेवी हार्ट के साथ सब अपने अपने लाइव्स में चल दिए कुछ जॉब कुछ हायर स्टडीज तो कुछ बिजनेस बट सबके हार्ट का एक टुकड़ा कहीं ना कहीं आरजेआईटी में रह गया एक सेकेंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वक्त बीता एंड अचानक वो एक कॉल सबको आया हमें भी एलुमनाई सीईओ तन्मय लड़की अलीशा डाइटिंग भुक्कड़ मी एंड श्रुति इन द सेम फर्म नाना नो कोइंसिडेंस एट ऑल थैंक्स एलुमनाई रास्ते बदल गए मंजिलों की तलवार से आज प्यार है कॉल से कभी कॉल करते थे प्यार से न पूछो कैसे मिला है मौका फिर मिलने का
कुछ वक्त मिला है यारो, बेशक जी लो करार से, बेशक जी लो करार से। बेशक इंजीनियरिंग इन आरजेआईटी।